तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पर देखने की अगर बात करोगे तो एट इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, मतलब जब समय जीरो था, जब समय जीरो था, जब टी इज इक्वल टू जीरो था यहाँ से, तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज लीनियरली विद टाइम टी, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखोगे यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टी के, ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स निकालने के लिए देखो हमें एक्सलेशन निकालना पड़ेगा, जैसे फोर्स प्रोपोर्शनल होगा वैसे एक्सलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के और टी, तो यहाँ से वेलोसिटी बी आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 के अपन एम अंडर रूट और टी, तो यहाँ से जब वेलोसिटी मिल गया तो मुझे एक्सलेशन मिल जाएगा डी वी ओवर डी टी, तो ये डी ओवर डी टी अगर यहाँ तुम देखोगे यहाँ से 2 के अपन एम अंडर रूट रख दोगे और ये टाइम टी रख दोगे यहाँ से, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2 के अपन एम अंडर रूट ए आ जाएगा और टाइम टी, अरे भाई हाँ, वेलोसिटी भी ये सब, ये भी तो अंडर रूट आएगा, टी भी तो 2 के, ये भी तो अंडर रूट आएगा भाई, तो ये टी अंडर रूट टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव लोगे इसका डी ओवर डी टी, ठीक है ना, तो डी ओवर डी टी लोगे तो 2 के अपन एम अंडर रूट और ये 1/2 और टी की पावर माइनस वन प्लस 1/2 माइनस 1, मतलब आएगा 2 के अपन एम अंडर रूट और ये आ जाएगा 1 बाई यहाँ से, 1 बाई यहाँ से 2 अंडर रूट टी, ठीक है ना, 1/2 अंडर टू टू फिर माइनस माइनस 1/2 तो 2 अंडर रूट 2, तो इसका मतलब एक्सलेशन ही था, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम में, ठीक है ना, तो अगर तुम देखोगे यहाँ से इसमें मास से मल्टीप्लाई करोगे तो एम 2 के अपन एम अंडर रूट और ये डिवाइडेड बाई 2 और ये 1/T अंडर रूट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, अगर प्रोपोर्शनलिटी देखोगे यहाँ से तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/T अंडर रूट, मतलब इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन मैच कर जाता है, थैंक यू।